from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 is something from nothing. Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. इसमें आप देखेंगे कि पीयू के कुशन है और एल पैटर्न में है ये बेसिकली अभी, ठीक है। ये आप मतलब 3-2 में बनवाना चाहे 3-2 में बन सकता है, यू शेप में बनवाना चाहे यू शेप में भी अपना हम कस्टमाइज़ कर लेते हैं। इसमें जो आप बैक पे देख रहे हैं ये बेसिकली हेडरेस्ट है, मैकेनिज्म लगा है इसमें, एडजस्टेबल हेडरेस्ट है। ये अपने अकॉर्डिंग अपने हेड के अकॉर्डिंग आप एडजस्ट हो जाता है। और ये पूरा मतलब कि हैटिक के उस चैनल है सारे, इसमें हमने हैटिक का हेडरेस्ट है। जी जी बिल्कुल, कोई ऐसा मैंने आपको जैसा पहले बताया हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते किसी भी क्वालिटी को लेके। और इसमें जो गद्दी है आपको मैं दिखाऊंगा, जैसे मैं बैठ के दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए उधर उस वाली गद्दी बैठे। जी जी बिल्कुल, ये गद्दी है जो इसमें पीयू की है, प्योर पीयू। और ये आप देखेंगे सॉफ्ट पीयू है, मतलब जो इसमें लॉन्ग लास्टिंग कोई यूज़ करना चाहे, ज़्यादा देर तक यूज़ करते हैं सोफ़ा बेसिकली लोग, तो उनके लिए हमने पीयू का दे रखा है ताकि वो कंफर्टेबली इस पर बैठ सके। और इसका फील भी बहुत ही मतलब सॉफ्ट है और एल पैटर्न में है ये अभी। और इसमें ना हमने दो, आप ये देखते हो ये सेगमेंट अपना, तो इसमें आपको मग होल्डर मिल रहे दो, और ये अपना इसमें स्टोरेज है। अच्छा अच्छा, स्टोरेज भी है इसमें। ये वुडन का फ्रेम है पूरा इसमें ये, और पॉलिश है। और ये देखें इसमें भी पूरा अपने सॉफ्ट क्लोज लगा रखा है। और जो इस पर हमने फैब्रिक यूज़ किया है ये प्रीमियम क्वालिटी का स्वेड यूज़ किया हमने, वो देखने से पता लग रहा है सर, फैब्रिक बताता मुँह से। जी जी बिल्कुल। और ये अपना पूरा सेट हमने रखा है एल पैटर्न बेसिकली। अभी ये लुक आप सिटिंग जो है इसमें 5-सीटर की है, बट ये देखने से ऐसे 7-सीटर है क्योंकि इसमें मग होल्डर और कॉर्नर का सेट आ जाता है। जो मैं ये दिखाने जा रहा हूँ एल पैटर्न प्लस 2 चेयर्स, एल पैटर्न बिल्कुल सूट जाता है और इसमें एक्स्ट्रा सिटिंग मिल जाती है आपको और कंफर्टेबल हमने सेम रखा है सब में। इसमें आप एल पैटर्न देखेंगे जो इसका डायमेंशन है H2 है जिस साइड, ये 9 फीट है और ऐसे 7 फीट है। 7 फीट होता है। हाँ, इसमें जो हमने आप ये देखेंगे बिल्कुल आर्म्स पे ठिप्पे लगा रखे हैं, यहाँ पे ये लोगो लगा रखा है और इसके आर्म से पूरी कुल्टिंग है। कुल्टिंग करी है, ठीक है। हाँ, बिल्कुल कुल्टिंग है। और सेम इसके चेयरों पे भी कुल्टिंग हो रखी है, जैसा कि बैक पे आप देखेंगे ये पूरा कुल्टिंग हो रखा है, कुल मतलब कि परफेक्शन के साथ में कुल्टिंग होती है। और इसमें कंफर्ट आप देखेंगे सारा 50 डेंसिटी है स्लिप वेल का। अच्छा, 50 डेंसिटी, आप इसके थिकनेस भी देख सकते हैं जैसा कि पूरी 50 डेंसिटी है। तो आप देख रहे होंगे फील ऊपर से लुक, ये पूरा चौकी बेस पे है। अच्छा, आप इसका नीचे का देखेंगे ना बेस, ये पूरा, हाँ ये पूरा चौकी बेस है लक्कड़ में, ये प्योर, हाँ जी ये वुडन बेस है सागवान में। और उसके ऊपर हमने पीयू हाई ग्लॉस पॉलिश कर रखा है। ये पीयू हाई ग्लॉस, हाँ जी हाँ जी। ये विनर हमारा नहीं, ये जो ऊपर का है ये तो फ्लेक्सी प्लाई है। अच्छा, ये फोल्ड हो रखी है और उसके ऊपर वीनियर के ऊपर हाई ग्लॉस हो रखा है। अच्छा अच्छा जी, ठीक है। तो ये सोफा जैसे आपने बताया जी, जी ये थोड़ा कॉर्नर पे रख सकते हैं। जी जी, ये हम सेंटर में रखे कॉर्नर, अगर आपका ड्राइंग रूम जैसे बड़ा हो और लिविंग एरिया आपका बड़ा है तो ये लुक जो आता है बिल्कुल कॉम्पैक्ट के हिसाब से आता है। और इसका आप सेटिंग देखेंगे, इसमें जो काम हुआ है वो सारा डबल हो रखा है, पोस्ट्री वर्क इसमें डबल है। इस पर आप हैंडरेस्ट देखेंगे, इसका हैंडरेस्ट के बाद में ये जो आप देख रहे हैं कर्व, इसमें मतलब 4 इंची की गद्दी हमने पूरी कर्व कर रखी अच्छा, है फ्लैप, हाँ, कह सकते हैं जो बैक आ रहा है इसका, हाँ, फ्लैप टाइप का है ये, हमने 4 इंची का पूरा फोल्ड हो रहा है ये। हाँ, और आप इसका आर्म्स देखेंगे डबल आर्म्स के साथ में। और जो इसका सेटिंग पे आप देखेंगे सारी है ना लाइनिंग, ये जो है बैक साइड पे भी आप कुल्टिंग टाइप में हमने दे रखा है पूरा। और इसका जो सिर्फ सीट की गद्दी है डबल फॉर्मिंग के साथ में, ये जैसे इसकी थी, हाँ जी हाँ जी। और आप मतलब इस पे बैठने पे देखेंगे बिल्कुल कंफर्टेबल है ये, बिल्कुल स्ट्रेट है और रिलैक्स फील कराता है। आप जो सेट देख रहे हैं 3-2, ये क्रीम स्वेड में बना है पूरा। अच्छा? इसके जो हैंडल देख रहे हैं आगे, ये पूरा सिंगल में नीचे तक है। अच्छा, ये लेग है वन पीस में। हाँ,
ये ऊपर से स्टार्ट होते हैं, ये पूरा नीचे तक है। ठीक है, ये लेग आ रहा है पूरा वन पीस पीछे तक जा रहा है। हाँ जी हाँ जी, ये लेग है हमारा। और इसमें जो सेटिंग में है कुशन है, और उसके कुशन में भी आप देखेंगे स्टिचिंग हमने कर रखी है। ठीक है, बहुत लाइनिंग। और इसका मैं आपको कुशन हटा के दिखा देता हूँ, इसके बैक में भी हमने पूरी लाइनिंग दे रखी है। ठीक है, आप इसका ना मतलब आप देखेंगे फिनिशिंग में हमने बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है इसके। बस बस। और इसके सीट में भी सेम हमने PU यूज़ किया हुआ है, कम्फर्ट सेम रहेगा सब में। इसमें मीडियम हमने मीडियम PU यूज़ किया हुआ है। PU में भी जैसे कि तीन क्वालिटी आती है, सॉफ्ट मीडियम और थोड़ा सा उसमें हार्ड आता है। हार्ड आता है, हाँ ठीक कह रहे ठीक कह रहे। प्योर हार्ड नहीं आता PU में, बट वो थोड़ा सा हार्ड होता है 3-2। इसमें भी कलर वेरिएशन हो सकता है, अवेलेबल है। हमारे पास मोर देन 500 शेड्स हैं इस फैब्रिक में, स्वेड। अच्छा। में आप जो चाहे वो लगवा सकते हैं। सेम ये वन सीटर एल पैटर्न अवेलेबल है हर चीज़ में। ठीक है, इसी के साथ मैचिंग की आपने सेंटर टेबल रखी, नेस्टिंग टेबल। जी जी बिल्कुल। अच्छा लग रहे हैं, जी टेबल। ये जो हमने 3-2 रखा हुआ है इसमें आप देखें गोल्डन ये हैंडल में, और सीट इसके जो यहाँ पे साइड में आप देखेंगे आर्म्स के यहाँ पे ये वुडन में है। सर जी ये सेंटर बेस है, सेंटर टेबल है ये बेसिकली अपना, और ये डुअल में है ये आजकल काफी ट्रेंड में। टेबल कह रहे हैं ना आप, हाँ। उसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये डबल आप सेंटर टेबल यूज कर सकते हैं। और ये सारा इसका बेस जो है गोल्डन मेटल में है, और इसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो रखी है गोल्डन की। ठीक है, ये सेंटर टेबल बेसिकली मेटल बेस है। हाँ समझ गए, एसएस का टेबल हो गया। हाँ जी, ब्रश ब्रश फिनिश की हमारी ये। जी जी बिल्कुल, ये होगी इलेक्ट्रोप्लेटिंग कह रहे हैं। बिल्कुल ब्रश फिनिशिंग में ये, और ये अपना इटालियन मार्बल। इटालियन हमने जो ये टेबल देखी है ना गोल्डन फिनिश में इलेक्ट्रोप्लेटिंग, वो इस फील में देखिए जो थोड़ा ग्लॉसी, ये थोड़ा मैट में ब्रश में ब्रश कोटिंग ब्रश में थोड़ा मैट में, ये थोड़ा अच्छा लगता है जी। और ये काफी हैवी सेंटर टेबल है, आपको मैं उठा के दिखाऊंगा। ये देखिए आजकल मार्केट में बहुत हल्की आती है, ये बहुत हैवी हमने इसको रखा हुआ है। बेस इसका हमने स्ट्रॉन्ग रखा है काफी, सेम एल पैटर्न है, प्लस इसके साथ हमने दो चेयर रखी है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे सागवान की लकड़ है, इसमें PU हाई ग्लॉस हो रखा है। सीट सेम वही 40 डेंसिटी यूज हुआ है चेयर्स में। अच्छा, चेयर्स में 40, सोफे पर 50, सोफे में 50, चेयर्स में ये 40 डेंसिटी, और सागवान में PU हाई ग्लॉस है वॉलनेट का। और एल पैटर्न वही सेम साइज है इसका भी, 9 फीट बाय 7 फीट। ठीक है, और इसमें जो है ये रिमूवेबल कुशन है। हाँ जी, ये रिमूवेबल कुशन है, ये हाँ फिक्स है, लूज है ये। ठीक है, ये फिक्स भी कराना चाहे तो फिक्स भी हो जाएंगे। और इसका सेम सेटिंग जो हो रखा है फॉर्मिंग सारा हमने रखा है 50 डेंसिटी में, स्वेड प्रीमियम क्वालिटी का हमने यूज किया। इसमें लेग सारे इसमें मेटल के इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। ठीक है, लेग सारे मेटल के। और ये जो सेंटर टेबल हमने आप देख रहे हैं इसमें दिखाएगा एक बार कस्टमरों को अपने कि ये जो सेंटर टेबल है ये पूरा मतलब कि वुडन फ्रेमिंग में है। ठीक है, और टॉप पे भी सेम वही स्वेड और डायमंड हमने वो यूज किया है, और ये 12 mm की हमने इसके टॉप पे ग्लास यूज किया है। ठीक है, और एक चीज बताऊँ, ये स्टिचिंग देख रहे हैं आप, ये वाली मैक्सिमम किसी स्टोर पर जाएंगे ये सेंटर टेबल मिलेगी ना आपको, यहाँ स्टिचिंग नहीं मिलेगी। कभी भी गौर कर लेना आप, बहुत कम स्टोर पर ये स्टिचिंग मिलेगी। नहीं तो क्या करते हैं कि हाथ से स्टिच अलग करते हैं, ये प्लेट से एक बना देते हैं। जी जी, तो स्टिचिंग बहुत कम मिलते देखने को। ठीक है, ग्रे वाला। जी सर, ये भी जो हमने स्वेड यूज किया है, टेक्सचराइज्ड स्वेड है इसमें सारा अपना। अच्छा, टेक्सचर वाला, मजा आ गया। आजकल लोग प्लेन स्वेड भी देखते हैं, ये टेक्सचराइज भी आजकल इन में है, बहुत अच्छा ट्रेंड में। और ये सोफा उस जगह के लिए जैसे आप लंबे टाइम बैठने के लिए देख रहे हैं, तो ये सोफा वहाँ पे जाता है। काफी लंबे टाइम भी अगर आपको बैठना है सोफे पे तो आपको मतलब की अच्छा फील होगा, कम्फर्टेबली आप बैठ सकते हैं लंबे टाइम तक भी। ये सोफा का मैं ये दिखाऊंगा आपको, कोने का इसका स्टिचिंग देखिएगा। काफ़ी आजकल मतलब कि लोग ना इसको स्टिचिंग नहीं करते ऐसे ही, मतलब कोने पे फोल्ड अंदर की ओर डाल के छोड़ते हैं, हमने प्रॉपर स्टिचिंग कर रखी है। आप सही कह रहे हैं, मैक्सिमम क्या होता है कि ये स्टिचिंग वर्क नहीं करते, यहीं से फैब्रिक पीछे से स्टेपल कर देते हैं, पीछे से उसमें डाल के पीछे से ठोक देते हैं, यहाँ से डाल के ठोक देते हैं, पर आपने पूरा स्टिचिंग कर रखा है, इसे कहते हैं वर्कमैनशिप। बिल्कुल। और एक चीज़ और क्लियर कर दो, ये 3-सीटर सोफा है, भले 2 सीट दिखा रहे पर 3-सीटर सोफा है हमारा। पार्टीशन एक हमने कर रखा है, थोड़ा अच्छा लगता है, मॉडर्न लुक लगता है। जी जी, नहीं तो जो आपकी पर सीट गिनी जाती है जो आम के अंदर अंदर 21 inches की एक सीट गिनी जाती है। जी है ना, 3 सीट की 63 inches होती है। जी, कोई 63 देता है, कोई 66 देता है। और इसके फ्रंट पे आप देखेंगे ये पाइपिंग हमने गोल्डन कलर की दे रखी है, और सेम हाँ गोल्डन फैब्रिक है ये पाइप, और सेम हमने लेग जो दे रखा है गोल्डन कलर में दे रखे है। ठीक है, मेटल बेस सोफा हर तरह की थीम के साथ जाता है। और इसमें जो हमने फैब्रिक स्वेड यूज किया है
ये टेक्सचराइड स्वेड है और डबल शेड के साथ में ये थोड़ा मेटल मेटल लुक दे रहा है, पूरा मेटल फिनिश दे रहा है, गोल्डिश और ग्रीनिश इसमें मिक्स है, मेटल फिनिश दे रहा है। ये जो आप इसकी कुल्टिंग देखेंगे बेसिकली जो आर्म्स पे और जो बाकी बैकवर्क पे हो रखा है, काफी हमने मतलब हैवी कुल्टिंग दे रखी है, डीप है, डीप है बहुत, मतलब कि इसमें कुल्टिंग में काफी कंप्लेंट आती है कई बार लोगों की, मगर ये जो सोफा हमने चेस्टरफील्ड हमने बनाया है इसमें आपको कभी कंप्लेंट नहीं आएगी कि बटन कहीं से निकल रहे हैं या स्टिचिंग कहीं से लूज हो रही है। ठीक है, हमारा आ गया ये ट्रेडिशनल सोफा कार्विंग वाला जी, ये हमारा टीक वुड है बिल्कुल, आजकल बिल्कुल ये सागवान में है जैसा आप देख भी रहे हैं, इसका लुक आपको बता रहा होगा काफी हैवी लुक है इसका, आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं लकड़ी की बहुत हैवी है, इसमें हमने जो मोटाई पूरी लकड़ी इसमें कार्विंग हो रखी है प्रॉपर, इसमें वॉलनट और गोल्डिश मैट गोल्डिश में रखा है मेटेलिक में जो इसका लुक और इनहेंस करता है। और इसके जो हमने फैब्रिक, जो हमने फैब्रिक की बात करें इसमें हमने दो फैब्रिक यूज़ किया हुआ है, जो फर्स्ट है वो अपना सीट पे जो आप देख रहे हैं जकार्ड यूज किया हमने जी, और जो हमके हमने इसके बैक पे जो मिड में यूज किया हुआ है ये स्वेड है, स्वेड हो गया जी। और इसका जो आर्म्स आप देख रहे होंगे ये फ्लैप हमने इसमें दे रखा है, ये एक्स्ट्रा दे रखा है जो इसकी लुक को इनहेंस करता है और रॉयल लुक देता है इसको। ठीक है, अब ये बहुत प्यारा पीस लग रहा है मेरे को, इसे क्वेश्चन हटा के दिखा दीजिए। जी जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है। ये पहले चला करते थे ये सोफे जी, बिल्कुल अभी भी रनिंग में है, अब मार्केट में इन हो रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और हॉट सेलिंग मॉडल सेंटर टेबल है इसका, आप जो बेस देख रहे होंगे नीचे का ये सारा सीएनसी ब्रास कटिंग में है और ये भी सेम ब्रश कोडिंग है। अच्छा अच्छा जी, और इसके टॉप पे ऑनेक्स यूज कर रखा है प्लस ब्रास वर्क है ये सारा, ये इनले वर्क कुछ अलग है, कुछ अलग है, बहुत अलग ये है। और इसके ऊपर प्लस पॉलिस्टर हो रखा है। अच्छा जी, और ये अमीवा शेप में, अभी अमीवा, हाँ अमीवा शेप है बेसिकली जी जी। इसका अभी क्या साइज है ये सर जी? 39x39 है, 39x39 कह रहे कि सवा तीन की है। जी जी बिल्कुल, सवा तीन फीट बाय सवा तीन के ये सेंटर टेबल है और ये भी हर शेप में अवेलेबल है। ये ब्रास है, ब्रास में सीएनसी वर्क करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, पहले बता दूं ये कोई एसएस नहीं है, ब्रास है ना सर? जी बिल्कुल। अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो अपना डाइनिंग सेट है, जो फर्स्ट डाइनिंग सेट है वो अपना नेचुरल ऑनिक्स से स्टार्ट करेंगे, ये पूरा नेचुरल ऑनिक्स क्रिस्टल ऑनिक्स है, ये क्रिस्टल ऑनिक्स जी, ब्राउनिश शेड में है। और इसके जो हमने चेयर्स डिजाइनिंग चेयर्स हमने यूज किया है, काफी डिजाइनिंग चेयर्स है ये। जो फैब्रिक की बात करेंगे सबसे पहले, जो फैब्रिक हमने यूज किया है ये इटालियन टाइगर स्वीड फैब्रिक है। अच्छा, इटालियन टाइगर। हाँ जी हाँ जी, ये आप इसमें रेशे देख रहे होंगे फर, ये टाइगर शेड है पूरा ये। वही वही, अब मैं दूर से नहीं दिख रहा, मैं पास आके दिखा तो कि कितना अलग है फैब्रिक, अगर आपको दिख रहा हो कैमरे में ये देखिए क्या टेक्सचर है, मजेदार। और ये 40 डेंसिटी का हमने इसके सीट पे यूज किया स्लिप वेल। अच्छा हाँ जी, और ये जो वुडन फ्रेम है पूरा सागवान की लकड़ी है पूरी, ठीक है। और इसके जो बैक पे यूज किया हमने, बैक पे ये वीनियर है, ब्लैक वीनियर यूज किया हमने। अच्छा, ब्लैक वीनियर है। हाँ, और ये हमने जो सिरका कंपनी का पीयू इसके ऊपर फिर हमने कोटिंग की है। सिरका जी, रेशन से महंगा आता है। जी जी बिल्कुल, ये जर्मन टेक्नोलॉजी का पीयू है और वो हम लोग यूज करते हैं सारा, इसके बैक पे वही यूज हुआ है सिरका कंपनी का पीयू। ठीक है, और इसका मैं आपको ना सेंटर बेस दिखाता हूँ, आप इसका सेंटर बेस देखेंगे हेक्सागन शेप में है ये पूरा। ठीक है, हेक्सागन आया। और इसके जो सेंटर में यूज हुआ है ये एसएस की है, गोल्डन शीट पूरी ये शीट है, कोई स्ट्रिप नहीं, पूरी शीट है, वन पीस में शीट जा रही है हमारी ये। जी बिल्कुल, और वही सेम इस पे हमारा ये कौन सा आपने बताया था वीनियर, ब्लैक वीनियर। जी, ये ब्लैक विनियर प्लस पीयू हाई ग्लॉस हो रखा है इसके ऊपर, पीयू हाई ग्लॉस हो रखा है। सर, जो मोल्डिंग लग रही है गोल्डन फिनिश, ये गोल्डन की स्कार्टिंग हमने साइड में दे रखी है, पूरी मोल्डिंग है। और इसका जो आप मार्बल का ये जो कर्व देख रहे होंगे जिससे काफी ये इसका लुक इनहेंस होता है, इनहेंस होता है और सेफ्टी भी आ जाती है, बिल्कुल लगती नहीं है। आजकल एजेस वो ना लोगों को काफी हर्ट करते हैं, तो इसलिए हमने इसको कर्व कर रखा है ये वाला जी। तो ये इसका साइज भी हमने बड़ा रखा है इस बार, क्योंकि नेचुरल का लुक काफी बड़े में ही अच्छा लगता है। है और वो और अच्छा लुक दिखता भी है। तो इसका हमने साइज रखा है 6x3 का, और इसमें आप नीचे की साइड भी देखेंगे लटक है, लटक जी। ठीक है, तो ये 6x3 का और 3 इंच की लटक के साथ में ये, ठीक है। ये व्हाइट ऑनेक्स में, ये सिंथेटिक ऑनेक्स है, नॉट अ नेचुरल, सिंथेटिक है।
और इसमें भी 3 इंची के कर्व के साथ में गोलाई, साइज भी हमने सेम रखा है इसमें। और इसके बट टॉप पे जो हमने ब्रास वर्क का इनले जो दिया हुआ है, काफ़ी यूनिक इनले है ये और काफ़ी रनिंग में है ये जी। और इसकी चेयर्स पे हमने, आप देखेंगे ये पूरा प्लाई है ये, उसके ऊपर वीनियर हमने किया है, मापा बर्न वीनियर यूज़ किया है और प्लस पीयू हाई ग्लॉस दे रखा है उसके बाद। उसकी चमक बता रही है, अलग ही बता रही है। जो हम लोग पीयू यूज़ करते हैं वो सारा सिरका का रहता है। और इसकी जो चेयर्स आप आगे से देखें, चारों पैरों में इसमें गोल्डन की कैपिंग हो रखी है, बहुत अलग है इसके लेग्स, बड़े मस्त लगे, कर्व है सारे, एकदम कर्व, अलग ओरियंट शेप में चारों लेग हैं इसके। और इसका जो सीट है सेम हमने 40 डेंसिटी स्लिप वेल, बैक पे आप देखेंगे इसमें लाइनिंग हमने दे रखी है, स्ट्राइप वर्क। वो तो चलो अपोर्शन तो जैसे मर्जी करा सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, वो डिजाइन आप शेयर कर देंगे जो इसमें काजू कतली कटिंग शेप हो, और जैसे प्लेन रखना हो, लाइनिंग रखनी हो, वो और भी शेड्स आप एज पर डिमांड हो जाते हैं वो तो ठीक है। आप इसके लेग और चेयर्स पूरी सागवान में ठीक है, और वॉलनट पीयू हाई ग्लॉस दे रखा है हमने। टॉप पे आजकल मार्बल ट्रेंड में है तो हमने सेम मार्बल हनी क्रीम ऑनेक्स का यूज कर रखा है ठीक है। और इसका जो साइज भी दे रखा है हमने, काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज है और काफ़ी मतलब कम एरिए में भी ये इजिली फिट हो जाता है ठीक है, कंजस्टेड एरिया नहीं करता ये। इसका जो साइज है 5.5 फीट ऐसे, 5.5 बाय 3 फीट है ठीक है। जनरली 6 फीट बाय 3 फीट चलता है जी, ये 5.5 फीट बाय 3 फीट करा क्योंकि साइज के हिसाब से जी जी। और चेयर्स भी इसकी काफी मतलब सारी चेयर्स आप देखेंगे ना अंदर चली जाती है आराम से, हाँ आराम से अंदर चली जाती है, तो ये आपका जो एरिया होता है मूवमेंट एरिया वो इसको ब्लॉक नहीं करता है, नहीं करता, अच्छी स्पेस मिल जाती है हमें जी। ये अपना 4 बाय 3 का साइज है और इसमें जो हमने चेयर्स यूज किए ये भी सागवान में है सेम, और सिरका का पीयू हाई ग्लॉस यूज किया है। सर आपकी पीयू ने इतनी जबरदस्त लग रही है ना, हम लोग जैसे आजकल मार्केट में लोग लोकल पीयू यूज करते हैं, हम लोग पूरा सिरका का यूज करते हैं, जर्मन टेक्नोलॉजी पीयू है ये। सीट में सेम स्लिप वेल की गद्दी है, प्रीमियम क्वालिटी का स्वेड लगा है, और ग्लास पे हमने इसके डिजिटल ग्लास यूज किया हुआ है ठीक है, प्रिंटेड ग्लास है ये। इसमें भी मेरे पास 100 शेड्स हैं अवेलेबल, जैसे ये आपको मैं कैटलॉग भेज दूंगा कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग। और इसका जो साइज बेस का जो आप लेग देखेंगे सारा काफ़ी स्लीक मॉडल है ये, काफ़ी स्लीक, काफ़ी पतले लेग है हाँ, और क्योंकि इस पे ग्लास टॉप हो रखा है तो हमने उसके अकॉर्डिंग इसके स्लीक मॉडल कर रखे हैं। और इसमें भी आपकी चेयर्स सारी अंदर चली जाती है और आपका एरिया बल्कि नहीं करता है ठीक है। ये देखिए इसके ना आगे से फ्रंट आपको मैं दिखाता हूँ, पहले फ्रंट में आप ये देखेंगे नीचे 2 कैपिंग हो रखी है, सॉलिड सागवान में है, पीयू हाई ग्लॉस फिनिश, सीट सारा प्रीमियम स्वेड है और स्लिप वेल की 40 डेंसिटी। आगे जो ये हमने लाइनिंग दे रखी है सारी स्टिचिंग, आप इसकी फिनिशिंग वर्कमैनशिप देखिए एक बार, और इसको पीछे का लेग सर, और इसका जो आप देखेंगे ये जो पाइपिंग हो रखी है, पाइपिंग बिल्कुल एक्यूरेट है जी जी, आप देखेंगे फिनिशिंग पे हमने काफी ध्यान दिया है। ये हमारा सबसे नया चेयर अभी हमने निकाला है, ये अभी फिनिश करके आप बैक साइड में आपको दिखाता हूँ, ये बैक साइड देखिए, सिरका का पीयू यूज किया हमने और ये मापा बर्न वीनियर है इसके बैक पे ठीक है। लेग भी काफी हमने कर्व शेप में दे रखे हैं, ओरिएंट शेप में, और बैक साइड भी कैपिंग है इसके। सर पॉलिश का मैं दीवाना हो गया, क्या पॉलिश हो रही है, मजा आ गया। हम सर क्वालिटी पे पूरा फोकस रहता है हमारा, हम कभी भी कस्टमर को जो चीज बोल रहे हैं हम उससे 19 बोल रहे हैं तो 20 बोल रहे हैं तो 21 प्रोवाइड करें, हमारी ये कोशिश। ये SS के कैप है ब्रश कोडिंग के साथ में ठीक है। और इसके जो साइड में आप देखेंगे ये पूरी डेकोरेटिव नेल्स लगी है जी ठीक है। बैक साइड में बर्फी की ये जो शेप है, ये जो डिजाइन पैटर्न रखा है, ये लेदराइट में है और आगे स्वेड में ठीक है, स्वेड फैब्रिक हाँ, आगे स्वेड में हमने लाइनिंग इसमें दे रखा है स्टिचिंग का, और सेम वही हमने 40 डेंसिटी रखा है, और जो लेग है वो प्योर सागवान में है, और इसके बैक पे अपना फॉर्मिंग वगैरह के साथ में फैब्रिक हो रखा है। और जो टॉप है, टॉप पे ये ऑनिक्स है, वाइट ऑनिक्स प्लस ब्रास, और इसके ऊपर पॉलिस्टर कोटिंग हो रखी है पूरी अपनी। अच्छा जी ठीक है, ये मेटेलिक फिनिश में है पूरा, शिवरिंग इफेक्ट के साथ में है ये पूरा बेड अपना। अच्छा जी, और इसके जो हेड पे आप देखेंगे, हेड साइड पे ये जूट फैब्रिक यूज किया हमने, बहुत मजेदार जूट, मेरा फेवरेट है जी। आप देखेंगे पॉलिश, मेन पॉलिश और फिनिशिंग का ही है, और ये सारा सॉलिड टीक वुड में बना है, टीक वुड और टीक वुड में बना है। अच्छा टीक बोर्ड एंड टीक वुड में बना है जी जी। इसके जो आप कॉर्नर देखेंगे ये आगे के, ये
कर्व कर रखे हमने, लगे ना सेफ्टी, सेफ्टी जो इसकी लुक को एनहेंस करता है और सेफ्टी भी एक प्रोवाइड करता है आपको। ठीक है, बहुत अच्छा, ये किंग साइज बेड है अपना, बहुत प्यारा लग रहा है जी। तो ये सर की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है अभी? बिल्कुल, ये हम जहाँ पे वार्डरोब वगैरह, ड्रेसिंग, बेड्स वगैरह के काम होते हैं सारे। ठीक है, आज ये मैं आपको दिखाता हूँ, सामने पॉलिश हो रहा है वो भी दिखाएंगे, पहले जी, जी, पहले ये आपको दिखाता हूँ यूनिट्स जहाँ ये बनता है। अच्छा, ये देख रहे हैं अभी किसी का ड्रेसिंग टेबल वगैरह तैयार हो रहे हैं, यहाँ पे बेड अभी बॉक्सेस बन रहे हैं बेड के, और ये ड्रेसिंग टेबल अभी बन रहा है, ये वीनियर लगा के स्ट्रेट लाइन वीनियर है पूरी ये, और इसके आपको कब्जा, हाँ कब्जा लग गया इसमें, ये देखिए हैटिक के कब्जे हम लोग यूज करते हैं, ये हैटिक का आपको अगर लोगो दिख रहा हो तो, नाम तो नहीं दिख रहा, थोड़ा मिटा हुआ है, लोगो दिख रहा है जी, हैटिक कैंप इसमें ओरिजिनल हम लोग कब्जे यूज करते हैं, सॉफ्ट क्लोज है ये पूरा। ठीक है जी, ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, थोड़ा बोर्ड के या पीसीस वीसीस दिखा सकते हैं, क्वालिटी क्या लगाते हैं आप किस चीज में? अच्छा, ये आप बेड्स में लगाते हैं जी? बेड्स में हम लोग ये बोर्ड यूज करते हैं, टीक बोर्ड है ये। ठीक है जी, और प्लाई, प्लाई, प्लाई भी दिखा दी सर, ये लगा हुआ प्लाई जैसे यहाँ लगा हुआ है कोर्स, हाँ ये लगी है प्लाई, टीक प्लाई लगी है, ये प्लाई हो गया हमारा कोर्स, पत्ते पत्ते जी जी, और ये बोर्ड और ये प्लाई अब तक की सबसे हैवी क्वालिटी मानी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए ये हमारी प्लाई कोर्स, उसका लालपन। ठीक है, जैसे मार्केट में क्या होता है, लोग ना बड़े हल्की क्वालिटी कहते हैं, कमर्शियल बोर्ड लगाते हैं जबड़ा या, और एक दूसरा आता है दूसरे का नाम नहीं लूंगा मैं जी जी। ठीक है, क्योंकि जनरली सब वो लगा रहे हैं। बिल्कुल, हम उसमें क्वालिटी में, मैं पहले भी स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, कॉम्प्रोमाइज रहेगा ही नहीं, ओपन है बिल्कुल, अगर कस्टमर को बिफोर पॉलिश स्ट्रक्चर देखना है तो वो फैसिलिटीज भी अवेलेबल है हमारे, यहाँ पे पॉलिश होती है पूरी अपनी। ठीक है, ये पॉलिश हो रही है, हाँ तो ये सारा यही, यहाँ भी पूरी अपनी यूनिट लगी है, और यहाँ पे पॉलिश का बेसिकली हमारा दो जगह होता है, एक तो ये बूथ है अपना और एक आगे वाली फैक्ट्री है, दो दुकान छोड़ के वहाँ पे भी पूरा पॉलिश का बूथ बना हुआ है। ठीक है, वहाँ तो पे आप पूरी पॉलिश, यहाँ कभी भी ऑर्डर देते हैं तो आप अपना बनता हुआ देख सकते हैं, सोफा या बेड कुछ भी, डाइनिंग टेबल, यदि ऑर्डर के बनी रहे, रेडी हो रहे, ये सब ये तो दो चेयर्स है ये, और चेयर बहुत सुंदर लगे सर, मजा आ गया चेयर देख के, रॉ देखना हो किसी को तो आके वो फैसिलिटी मिलती है कस्टमर को पूरी। क्योंकि मैं यही कहता हूँ, मैं हर किसी को कहता हूँ कि आप ना कभी भी अपना फर्नीचर बनवाए तो पहले चेक कर लीजिए कि उसमें क्या मटेरियल लग रहा है, जो बोला वो लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे। बिल्कुल, हम भी कस्टमर को पूरा इंश्योर करते हैं कि आए चेक करें, क्वालिटी फैसिलिटी पूरी तरह से चेक करें। हाँ हाँ, ये देखिए जैसे ये सेंटर टेबल पे अभी पॉलिश होने बाकी है, ये सेंटर टेबल हो रही है, ये कोरा रखा भी इस पे होना काम बाकी है, ये भी कस्टमर के ऑर्डर का है, ये टीक वुड वाला जी जी जी, ये सागवान आप देखें, इस पे भी कार्विंग हो रखी है पूरी, आप देखें रॉ स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, पूरी फैसिलिटी है, मतलब जीरो हाइडेंसी है यहाँ पे, ठीक है, कोई हाइडिंग वाला काम नहीं है अपना।